स्टूडियो में शोभा तारीख के बहुत बड़े स्टार, बहुत अहम अचात्र में से एक प्रोफेसर एस एम अजीजुद्दीन हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। पूरी जिंदगी आपकी लाइब्रेरी में गुजरी या क्लासरूम में गुजरी, पढ़ने पढ़ाने के अलावा जब भी वक्त मिलता था, और अभी भी सुबोधोष होने के बाद भी आप मुसलसल लाइब्रेरी से इस्तेफादा करते हैं, और आपकी जिंदगी में जहां आप बड़े बड़े ओहदों पर फैज रहे उसमें से एक ओहदा आपका था, आप डायरेक्टर थे हिंदुस्तान की एक बहुत अजीम अदीम लाइब्रेरी रामपुर रजा लाइब्रेरी की। हम आपसे आज लाइब्रेरी के बारे में, यानी कुतुबखानों के हवाले से होते हुए रजा लाइब्रेरी तक के सफर के बारे में, उसकी खूबसियत खसूसियत हिफाजियत के बारे में जानना चाहेंगे। मोहतरम प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, जहाँ तक किताब खाने की अहमियत का ताल्लुक़ है और जो उसका डेवलपमेंट किताब खाने का हुआ, ज़ाहिर है ये भी जो प्रॉफिट की हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो शहर नहीं बल्कि यही किताब खाना जो है यही है इल्म और यही बुनियाद है उसकी। इसलिए कि जब मैं रजा लाइब्रेरी में मैंने ज्वाइन किया तो हज़रत अली की विलादत की तारीख थी, तो मैंने एक एग्ज़िबिशन की हज़रत अली एंड हिज़ एज इन द लाइट ऑफ बुक्स। उसमें भी मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही कि ये जो इल्म है, इल्म यही वो शहर है कि जिस यहाँ से आदमी रोशनी हासिल करेगा, और यही जो रोशनी है किताब की, मैं समझता हूँ यही इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में भी किताब की बड़ी अहमियत है। हर मज़हब में किताब की, चाहे वो होली स्क्रिप्चर हो या कोई लफ्ज़ लिख दिया हो। हज़रत अली ने अपने एक खुतबे में ये बात कही कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। तो ये इल्म जो है ये कहाँ से आएगा? ये किताब से आएगा। इसका जो चश्मा है वो किताब है। आदमी समझ जो पैदा करेगा वो किताब से पैदा करेगा। और एक हिकायत शेख सादी ने बयान की है कि एक बादशाह ने किसी आलिम को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं उलमा से बात कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। फिर बहुत देर तक नहीं आए, फिर दोबारा भेजा, तब भी नहीं आए। तिबारा जब भेजा तो कहा कि भाई देखो कौन उलमा बैठे। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं है, वहाँ तो तीन चार किताबें हैं, उसी को देख रहे हैं। तो खैर जब वो आए तो उन्होंने बादशाह ने कहा कि भाई वहाँ तो कोई आलिम नहीं था, तो फिर आपने क्यों ये बात क्यों कही? अरे कहने लगे वही तो आलिम है, वो जो किताब है। तो जो किताब है वो वही काम कर रही है जो आलिम अपनी ज़िंदगी में काम करता है। तो किताब काम करती है एम्बेसडर का, वो उसके आइडियाज़ को अगली सेंचुरीज़ में लेकर जाता है। और जब ये किताबें कलेक्ट हुई तो उसकी जो जगह रखने की बनी वो बनी किताबखाना, और उसमें किताबें रखी गई। इसमें मैं एक लोगों की कैसी कैसी दिलचस्पियाँ थीं। शेख अमानुल्लाह पानीपति थे, अभी मैं बायोग्राफीज़ ऑफ सूफीज़ ऑफ इंडिया पे काम कर रहा हूँ, तो उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था बहरे ज़खार से। तो जब उनको लगा कि मैं अब ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो अपने बेटे से कहा कि भाई मेरे उस कमरे में ले चलो जहाँ मेरी किताबें। खैर वो ले गए बेटे उनके उठा के, एक एक किताब कहा कि मुझे दो, एक एक किताब खोली, अलविदा कहा, आखिर में कमरे को अलविदा कहा, और फिर इंतकाल हो गया फ़ौरन ही निकलती। तो ये किताब खाने की अहमियत और ये उससे लगाव था लोगों का, और ये अहमियत है। लिहाजा तमाम जो चाहे वो नालंदा हो या आलम इस्लाम हो, सब में
किताब खाने की बड़ी अहमियत रही और किताब दिल से लगा के रखते थे, दिल से, मतलब कुछ भी नुकसान पहुंच जाए किताब को नुकसान न पहुंचे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये किताब खाने डेवलप हुए, इसलिए कि ये जो उलमा बने ये कोई वही तो प्रॉफिट मोहम्मद तो ख़त्म हो गई, अब तो वही आएगी नहीं, अब वो वही वाला काम कौन करेगा, ये किताबें करेंगी, क्योंकि इससे आदमी नॉलेज हासिल करेगा और ये नॉलेज जो है फिर दूसरे स्टूडेंट्स तक जाएगी वो नॉलेज, और उस नॉलेज का फिर होगा डेवलपमेंट। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ और स्टेट ने सपोर्ट किया और उन्होंने बड़ी बड़ी शानदार लाइब्रेरीज़ इजिप्ट में, अलज़र की लाइब्रेरी, बगदाद में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ डेवलप हुई और बुखारा में, समरकंद में, तमाम जगहों पे डेवलप हुई। लेकिन हिंदुस्तान में जो लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट है, एंशेंट पीरियड में तो था ही नालंदा वगैरह में, लेकिन हिंदुस्तान में जो लाइब्रेरीज़ का मुसलमानों के आने के बाद डेवलपमेंट हुआ वो शेख ऑफ बगदाद से शुरू हुआ 1258 पे। जब मंगोल्स का राइज शुरू हुआ तो ये जो उलमा बगदाद, समरकंद, बुखारा और टाउन से जब माइग्रेट करके आए तो वो अपने साथ अपने किताब का कलेक्शन भी लेके आए, अकेले नहीं आए, कुछ नहीं लाए, किताबें साथ लाए, और उन्होंने लाहौर में, मुल्तान में, दिल्ली में, बदायूं में और दूसरे जो कस्बात थे वहाँ पे अपनी उन किताबों को ले गए। अब उन किताबों से जैसे आज इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, बल्ब की रोशनी हो रही है, तो वो कस्बे जो डार्क थे इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन किताबों ने, इन किताब खानों ने रोशनी का काम करना शुरू किया। तो ये रोशनी देना इन्होंने शुरू की इन किताब खानों ने। दूसरी तरफ सूफिया ने इसमें बड़ा अहम रोल किया। तो दो मदारिस कायम हुए, एक स्टेट और उलमा के स्पॉन्सर्ड और दूसरे सूफिया के बनाए हुए, और इन सब में किताबें थीं। एक किस्सा क्या, मतलब हकीकत ही है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अमीर खुसरो अपने मामू का मकान दिलवा गए कि भाई आप इसमें रह लीजिए, ज़ाहिर है सूफी आदमी, इनके पास कहाँ पैसा कहाँ डॉलर, आ गए, उनका हो गया ट्रांसफ़र दिल्ली। अब उन्होंने कह दिया कि साहब आप तो ये मकान खाली कर दिए। तो फवायदुल फुआद में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात है इसमें लिखा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मजबूरन वो मकान खाली करना पड़ा और वो अपनी किताबें अपने साथ लेके आए और एक कोई छप्पर वाली मस्जिद थी, रात भर किताबों के साथ उसमें गुजर की। तो ये एक निशानी है कि किताबों की क्या इम्पोर्टेंस थी। फवायदुल फुआद में ये नहीं लिखा कि वो बर्तन लाए, कपड़े लाए या जूते लाए, क्या नहीं लाए, वो अपने साथ किताबें लाए, और किताबें इतनी अजीज़ थीं उन लोगों के लिए कि इसके बगैर वो रह नहीं सकते थे, मतलब उनकी ज़िंदगी उन किताबों के बगैर। लिहाजा ये तमाम ज़खीरा जो था किताबों का बढ़ता रहा, और फिर ये मुग़ल एम्पायर कायम हुई, ये भी इल्म दोस्त लोग थे, और किताबों का सिलसिला बढ़ता रहा, और मुग़लों के आने के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। बाबर अपनी पूरी लाइब्रेरी अंदेजान से लाया, और बाबर नामे में एक बात जो बड़ी अहम लिखी है कि मैं यहाँ, और मैंने लाइब्रेरी अपनी सब अरेंज कर दी, लेकिन यहाँ जो बरसात का मौसम होता है वो बड़ा खुशगवार होता है, लेकिन मेरी किताबों के लिए बड़ा नुकसानदेह, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है और वो मेरी किताबों को नुकसान, मतलब कंजर्वेशन का ये एहसास बाबर के यहाँ 16 सेंचुरी में होना, ये बड़े मोहब्बत की बात थी कि जो उसको मोहब्बत और लगाव और इश्क अपनी किताबों से था। अकबर ने उसका हल क्या किया कि जब ये लाइब्रेरी आगरे के किले में पहुँची या फतेहपुर में पहुँची तो उसने वर्राक अपॉइंट किए। एक पोस्ट जामिया की लाइब्रेरी में भी अभी तक है वर्राक की। वर्राक का काम ये होता था कि सुबह से शाम तक वो किताबें उतारेगा, एक एक वर्क उल्टेगा और फिर किताब को रख देगा, ताकि वो मॉइस्चर से चुपके नहीं, इसलिए कि वो उसमें गोंद होता था, वो जो है स्याही, तो चुपकने का खतरा रहता था। तो
तो वर्राक की जो पोस्ट है वो यहाँ आके इन्वेंट हुई कंजर्वेशन ऑफ मैनुस्क्रिप्ट्स के लिए। खैर बहुत बड़ी रॉयल लाइब्रेरी, तमाम उलमा की लाइब्रेरीज, ईरानी अपने साथ बड़े बड़े कलेक्शन लाए। लेकिन एक कुरान मजीद जो बाबर ने लिखा, बाबर ने एक ख़त इन्वेंट किया, वो कहलाता था ख़त बाबरी, और एक कुरान मजीद लिखा। मैं जब चंद साल पहले मशहद गया तो वह एक कुरान म्यूज़ियम है, और इतना खूबसूरत कुरान म्यूज़ियम है कि मुझे लगा कि शायद कुरान यही नाजिल हुआ होगा। मतलब ऐसा बनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता जो कैफियत मुझ पर तारी हुई और अब भी तारी हो जाती जब मैं सोचता हूँ। तो वहाँ मैंने वो देखा बाबर का लिखा हुआ कुरान मजीद। अच्छा, यहाँ हिस्टोरियंस ने लिखा कि वो उसने मक्के भेज दिया, मक्के नहीं भेजा। जब हुमायूं शेरशाह से हार के ईरान गया और 40 दिन वो मशहद में रहा, और वो चिल्ला किया उसने मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पे, लेकिन जोहर आफ्ताबचीन है जो उसका मुलाजिम था, उसने एक वाकया अजीब लिखा है कि रात के मतलब देर रात हो गई थी, अंधेरा छाया हुआ था, हुमायूं ने कहा कि मुझे इमाम रज़ा के रोज़े पे जाना है। तो उसके तमाम बॉडीगार्ड्स वगैरह ने कहा कि वो तो बंद कर दिया जाता है और कुफ्र लगा दिया जाता है। वो कहा नहीं, मुझे तो जाना ही। खैर वो हुमायूं अपने पूरे पैराफर्नेलिया के साथ इमाम रज़ा के रोज़े पहुँच गया। तो खुदामीन ने कहा कि ये तो खुल ही नहीं सकता। कहे अच्छा, खुलेगा ही नहीं? कहे हाँ, नहीं खुलेगा। तो जोहर आफ्ताब जी ने लिखा है कि हुमायूं चंद कदम पीछे आया और उसने दुआ की। तो जोहर आफ्ताब जी लिखते हैं कि जंजीर बीच में से टूट गई। तो आज का साइंटिफिक जहन इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जोहर आफ्ताब जी जो इसका कहना चाहिए ऐनी शायद है, उसने ये बात लिखी। तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, तमाम लोग दे वर ऑल लवर्स ऑफ बुक, यानी बदायूनी लाइब्रेरियन था अकबर की लाइब्रेरी का। और एक किताब थी वो फरत अफजा, वो नहीं मिल रही थी, वो नहीं मिल रही थी। तो बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने बुलाया बदायूनी को और कहा कि इस किताब को कल तक ट्रेस हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करूंगा और जेल में डाल दूंगा। पता आज लाइब्रेरियंस इतना सख्त एक्शन नहीं ले सकते। अकबर ने ये लाइब्रेरियन से कहा कि अगर ये कल तक किताब नहीं मिली फरत अफजा, तो तुम्हारा मनसब, तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारी सर्विस ख़त्म और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो बयान कह रहे मेरे तो हवास ख़राब हो गए। खैर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो किताब मिल गई। तो इतनी मोहब्बत थी उन्हें किताबों से कि अपने एक ऐसे काबिल आदमी को कह दिया कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा अगर ये किताब नहीं मिली। तो इन लोगों ने एक बड़ा अहम सरमाया यहाँ जमा किया, और ये लाइब्रेरी, मुग़ल लाइब्रेरी जो रॉयल लाइब्रेरी थी, ट्रेवल करते करते दिल्ली आ गई लाल किले के अंदर, और तमाम कलेक्शन इसमें बढ़ते गए। अब 1857 हुआ, 14 सितंबर 1857 में अंग्रेज़ फौजें इसमें दाखिल हो गई और पूरी लाइब्रेरी लूट ली गई। और डॉक्यूमेंट मौजूद है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में कि बाकायदा ड्यूटी लगाई गई कि जितनी लाइब्रेरी हैं दिल्ली में तुमको वहाँ से लूट के लाना है। छगड़े दिए गए उन्हें, वो जो बैल छगड़ा होता था, 7-8 जितने भी छगड़े चाहिए हो वहाँ लेके जाओ, और शेयतुस्सफ़ा की लाइब्रेरी है वहाँ से लाओ, एंग्लो अरबिक कॉलेज है वो है वहाँ से लाओ, एंग्लो संस्कृत स्कूल है वहाँ से लाओ, सारी लाइब्रेरीज लूटो और एक जगह किताबें जमा कर दो। तो ये तमाम चीज़ें लूटी गईं, और फिर ये जो है आपका ब्रिटिश वहाँ ले गए अपने साथ, ब्रिटिश म्यूज़ियम, और आज वो ब्रिटिश लाइब्रेरी की जीनत बने हुए हैं वो मैनुस्क्रिप्ट, वो यहीं से गए वो तमाम चीज़ें। तो ये मुग़लों का बड़ा इंटरेस्ट था, तो ये लाइब्रेरी डेवलप हुई। जो यहाँ के कस्बे थे, पानीपत है, लाहौर है, आजमगढ़ है, जलाली है, बदायूं है, ये तमाम इनके घर जो थे लाइब्रेरी से, किताबों से
पुर थे और हर घर में किताबें थीं। तो मैं जब लाइब्रेरी का डायरेक्टर होके गया तो मैंने उससे पहले 2007 में 1857 की जब 150th एनिवर्सरी हुई तो एक किताब लिखी 1857 रिविजिटेड। उसमें मैंने लिखा कि राजपूत राजाओं और ये आपके पंजाब के राजा ने भोपाल और ये रामपुर के नवाब इन्होंने क्यों अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन जब मैं रामपुर पहुंचा तो मुझे अपनी ओपिनियन बदलनी पड़ी क्योंकि तमाम लाइब्रेरीज लूटी और तबाह बर्बाद हुई। ये जो थे नवाबी ने रामपुर ये भी बड़े इल्मदोस्त लोग थे, इन्होंने ये बात कही और इसको आम कराया कि मखतूता लाओ और अपने मुंशी से कहा कि जो पैसे वो मांगे किताब ले लो और पैसे उसे दे दो। तो यानी जो भी चाहे वो पैसे दे मांगते थे वो उनको दे देते थे। यानी दीवान हाफिज जो खुरासान में लिखा गया जिसकी 11 पेंटिंग्स अकबर ने करवाई वो नवाब रामपुर ने 1857 में 160 रुपए का ख़रीदा। अब 1857 में 160 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने साथ दिया, मैंने अपनी ओपिनियन डिवाइस की क्योंकि अगर ये भी अंग्रेज़ों की मुखालफत करते तो फिर इन मैनुस्क्रिप्ट को कौन ख़रीदता। ज़्यादातर मैनुस्क्रिप्ट जो रज़ा लाइब्रेरी में आए वो 1857 के बाद आए, ये तमाम लाइब्रेरीज और 47। दूसरा नुकसान जो इन लाइब्रेरीज को पहुंचा वो 47 को पहुंचा। पार्टीशन हमारा इंतहाई गलत फैसला था, हमने सोचा ही नहीं कि सिर्फ ये बाउंड्री नहीं इसमें किताबें भी बढ़ेंगी। किताबों के बारे में सोचा ही नहीं, किताबें तबाह बर्बाद। यानी मामूली मिसाल मैं आपको कस्बा पानीपत की दूँ, भरा हुआ था पूरा कस्बा पानीपत किताबों से। एक रात में पूरा कलेक्शन पाकिस्तान चला गया, लोग नहीं गए, लोगों के साथ किताबें भी चली गईं। मुबर्रखीन ने पार्टीशन में लोगों की तो बात की है कि आजमगढ़ से कितने गए, कि रामपुर से कितने गए, कि अलीगढ़ से, अरे कोई ये नहीं कहता कि किताबें कितनी गईं इनके साथ, डॉक्यूमेंट्स कितने गए। तो पार्टीशन किताबों का भी हुआ, जो कराची में नेशनल म्यूज़ियम है कुछ वहाँ चला गया कुछ यहाँ रह गया। अरे भाई ये तो हिंदुस्तान का सरमाया था, ये तो एक जगह रहना चाहिए था। तो ये बात सोची ही नहीं कि लाइब्रेरीज़ का कितना नुकसान होगा पार्टीशन के वक्त। सिर्फ अपना यही बाउंड्री सोचते रहे कि लाहौर दिल्ली और इस्लामाबाद और मुल्तान और आगरा और ये सब, अरे किताबों का क्या असर होना है। तमाम किताबों को इतना नुकसान हुआ, यानी खुद अमरोहा में इतनी बर्बादी हुई है। फिर क्या हुआ, 1952 में ज़मींदारी अबोलिश हो गई, इन ज़मींदारों के पास बड़े बड़े किताबों के कलेक्शन थे और वो ज़ाहिर उनके पास पैसे ही नहीं रहा तो उनको मेंटेन तबाह हो गई। जहाँ तक रज़ा लाइब्रेरी की अहमियत का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ जब मैं वहाँ गया तो WS सिद्दीकी साहब ने उसमें उसके इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि एशिया की बड़ी लाइब्रेरी। लेकिन मैंने अपने दौर में इस जुमले को बदला कि दुनिया की बड़ी लाइब्रेरीज, दुनिया की, एशिया नहीं, एशिया क्या मानी रखता है, उसमें इतने अहम नुस्खे हैं। यानी कंप्लीट कुरान 7th century AD का अगर पूरी दुनिया में मौजूद है तो वो रज़ा लाइब्रेरी में, पूरी दुनिया में नहीं। आप ये देखिए कि नहजुल बलागा जो हज़रत अली के खुतबात और रुखात का कलेक्शन है, इसका अर्लीस्ट मैनुस्क्रिप्ट कुम्भ है आयतुल्ला मरशी की लाइब्रेरी में, और जो दो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं एक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और तीसरा रज़ा लाइब्रेरी में। तो आप ये देखिए कि ये मैनुस्क्रिप्ट्स ना तो मक्के में है जो सेंटर ऑफ इस्लाम है, न मदीने में जो सेकंड सेंटर है, न नजफ में जो थर्ड सेंटर है, न करबला में जो फोर्थ है, न मशहद में, बल्कि वो कहाँ है, हिंदुस्तान में।
तो हिंदुस्तान को वो अजमत हासिल है और लाइब्रेरी को वो अजमत हासिल है कि जो मखतूतात पूरी दुनिया में नहीं है वो रज़ालाइबी में। बर्नी ने एक किताब लिखी नाते मोहम्मदी, वो उसका शाहकार है तारीख़ फरोशाही और फतेहबाज़ जहांदारी के अलावा। उसका वाहिद मैनुस्क्रिप्ट सिर्फ रज़ालाइबी है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने अपने रिव्यू में ये बात लिखी कि अज़ीज़ुद्दीन को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जो चीज़ वहाँ महफूज थी उसको शाये करके हम तक पहुँचा दिया ताकि हम उसको पढ़ सकें, या फर्स्ट वर्जन दो तारीख पर। तो इतनी नायाब और नादिर चीज़ें रज़ालाइबी में हैं कि जिसकी मिसलो नज़ीर, यानी मेरे ज़माने में 3.5 साल में जो ब्रिटिश स्कॉलर्स US से, फ्रांस से, जर्मनी से आए, वो अपने कमेंट्स में ये लिख के गए कि जो किताबें हमें दुनिया में कहीं नहीं मिली वो रज़ालाइबी में मिली। तो रज़ालाइब्रेरी दुनिया की अहम तरीन लाइब्रेरी में से एक है, लेकिन जितना इस्तफादा हिंदुस्तानियों को उस लाइब्रेरी से करना चाहिए उतना इस्तफादा हम करते नहीं हैं। यानी मेरे दौर में बड़ी तादाद वेस्टर्न स्कॉलर्स की रही और हिंदुस्तान की ये जो बड़ी आम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम तादाद में प्रोफेसर्स, कम तादाद में रिसर्च स्कॉलर्स ने इस लाइब्रेरी से इस्तेमाल किया। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स इस लाइब्रेरी से इस्तेमाल करें, तभी रिसर्च का प्रमोशन हो सकता है।